हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोल ऑन वैक्सिंग, जो काफ़ी दिन से आप लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे कि मैम इस तरीके की वैक्स भी दिखाइए, क्योंकि इस वैक्स को ना बहुत ज़्यादा नेट पे दिखाया जा रहा है कि आप घर पे कर सकते हैं, पार्लर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं आज ये शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोल ऑन वैक्सिंग, इस तरीके से जो रोल ऑन वैक्सिंग होती है, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से जो रोल ऑन वैक्सिंग होती है ना, इसके बारे में आज अब मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी बार ना आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि रोल ऑन वैक्सिंग क्या होती है मैम, ये भी होती है क्या पार्लर पे? बिल्कुल होती है, बट हम लोग अपने पार्लर पर बहुत ही कम करते हैं। इसमें ना इस तरीके से देखिए, इसमें ना इस तरीके से पैच आते हैं, ये रिका वैक्स का है, और जो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है वो नॉर्मल वैक्स का है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो मैंने इसके अंदर डाला हुआ है ये नॉर्मल वैक्स का है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये नॉर्मल वैक्स का है, ठीक है। तो हम लोग इससे आप लोगों को करके दिखाएंगे कि ये इसका हीटर है, और रोल ऑन वैक्सिंग ये होती है कि इसके आगे ना आप देख सकते हैं ये रोलर आता है एक तरीके का, इसको गर्म करने के बाद इसी को हाथ पे चलाया जाता है। तो इसमें ना आपको किसी भी तरीके की कोई स्पून वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये होती है रोल ऑन वैक्सिंग। तो ये किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। काफी कमेंट थे किस तरीके से इसको यूज करेंगे, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, पार्लर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। और मेरे पार्लर पे है बट मैं करती किसी के नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। मैं आप लोगों के साथ चलिए अभी शेयर करती हूँ, ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ रोल ऑन वैक्सिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। काफी लोग ना मुझसे जो भी मैं टूल दिखाती हूँ उनका सबका लिंक मांगते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं मैंने बहुत ही कम चीजें मैं जो है वो ऑनलाइन मंगाती हूँ, बट मैंने ये रोल ऑन वैक्सिंग जो है इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये मैंने मंगाई थी। बट और जो मेरे पास प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे स्ट्रेटनिंग मशीन हो गई, कर्ल मशीन हो गई, या किसी भी तरीके की मशीन होती है, ये मैं जाके देख के लेके आती हूँ। ऐसे मैं किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादातर। तो ये मैंने लेकिन अमेजोन से मंगाया था, तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं रोल ऑन वैक्सिंग। तो इस तरीके से इसके पैच आते हैं, और इसमें आपको नॉर्मल वैक्स वाला भी पैच मिल जाएगा, देखिए इस तरीके से। और ये है रिका वैक्स का, और ये है इसका हीटर। खोल के इसको देखो, अभी दिखाते हैं हम आपको, ये है इसका हीटर, इसमें हमें ये पैच डालना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, हमें ये पैच डाल देना है और ढक के रख देना है, और इसका प्लग लगा देना है, और ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो देखिए इस तरीके से इसमें लाइट जल जाएगी, और उसके बाद इसको हम गर्म करेंगे। तो इस तरीके से इस वैक्सिंग के लिए भी मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कि रोल ऑन वैक्सिंग क्या होती है, आप लोग अपने चैनल पर क्यों नहीं शेयर करते हो? क्योंकि आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि करनी चाहिए पार्लर पे कि नहीं करनी चाहिए, क्या फायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो देखते हैं 10-15 मिनट में ये गर्म होती है कि नहीं होती है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए, बल्कि 20 मिनट हो गए, लेकिन ये अभी तक गर्म नहीं हुई है। और इसमें ना रिका वैक्स भी आती है, आप चाहें तो रिका वैक्स भी कर सकते हैं, बट मैं रिका नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिका को गर्म करने में तो बहुत टाइम लगता है। नॉर्मल वैक्स का पैच हमने इसके अंदर डाला है, और उसको ही गर्म होने में अभी 15 से 20 मिनट, भाई अभी तो ज्यादा लगेगा टाइम, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो इसको कम से कम गर्म होते होते हो गए हैं 40-45 मिनट, ये अभी तक पूरी तरीके से गर्म नहीं हुई है, लेकिन हम फिर भी स्टार्ट कराने हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो देखिए आप इनके हेयर गेन देख सकते हैं, काफी अच्छे से हेयर गेन है। करने का तरीका सेम ही रहेगा कि पहले आपको पाउडर लगाना है, जिसके भी आप कर रहे हैं ना, पहले पाउडर लगाइए, उसके बाद में हम इस रोल ऑन वैक्सिंग की एप्लीकेशन करेंगे। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, मैंने ये एक दो बार पहले भी करके देखी है, बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बट कोई नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए इसको हम दोबारा से देखिए करके देख रहे हैं। तो एक तो इसको लगाना बहुत ज्यादा हार्ड है, देखो आप देख सकते हो कितनी मुश्किल से तो ये लग रही है, चिप 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 चिप, और जबकि ये ना नॉर्मल वैक्स है, मतलब कि ये हमने रिका वैक्स नहीं ली। रिका वैक्स तो मुझे लगता है ये 1.5 घंटे में गर्म करके भी नहीं दे गई, और इतनी देर में तुम्हारा क्लाइंट भी भाग जाएगा। तो देखो वैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्स बिल्कुल सही है, बट क्या होता है ना ये गर्म नहीं सही से कर रहा है। और नॉर्मल जो हीटर होते हैं वो देखो कितने बढ़िया करके गर्म करते हैं, और उतनी देर में हमारी वैक्स हो भी जाती है। तो इसको ना रोल ऑन वैक्सिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बाकी आप लोगों को पसंद आया तो आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए काफी एड बनाए थे कि बहुत अच्छी है ये, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 40-45 मिनट के बाद अगर ये इतना बेकार गर्म कर रहा है, और इतनी बेकार अगर स्किन पे चल रही है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पार्लर यूज के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप इसको पर्सनल यूज में ले सकते हैं, बट पार्लर यूज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए बाल तो बिल्कुल सही से निकल के आए, क्योंकि वैक्स अच्छी है, बट इसको लगाने का तरीका बेकार है ना। इतना टाइम हमारे क्लाइंटों के पास होता ही नहीं, कहाँ होता है इतने क्लाइंट के पास टाइम।
कि वो मतलब 40-45 मिनट इसको गर्म करने में रखेंगे हम, फिर उसके बाद वो इतनी चिप चिप करके ये होगी और बाल भी खिंच रहा होगा जिसके कर रहे हैं हम लोग, देखो वो भी बोलेंगे खिंच रहा है ना बाल, हाँ देखो बाल भी खिंच रहा है क्योंकि इसको लगाने का बहुत हार्ड है ना तरीका, तो बाल भी खिंच रहा है। तो इतना पेन वेन तो हमें अपने कस्टमर को देना नहीं है। तो देखिए ये मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ। इसमें आपको रीका भी मिल जाएगी, देखिए रीका वैक्स जो है ना, रीका वैक्स का पैच भी आता है, नॉर्मल वैक्स का भी आता है। ये इसका हीटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक हीटर है, इसी के अंदर आप डाल देंगे, इसको लगा दें आप प्लग इस तरीके से और उसके बाद इसको इसके अंदर डाल दें तो ये गर्म हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे अच्छा तो नॉर्मल वैक्स कर लेते हैं और नॉर्मल वैक्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है और होती भी बहुत आसानी से और क्विकली हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो आप मंगा सकते हैं, मुझे तो आई नहीं तो मैं तो इसको कभी नहीं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग इसको खरीदें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।